हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरोक्स पर 666 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो रीडिंग करेंगे वो कैंडल वैक्स रीडिंग होगी और मैंने आज का टॉपिक लिया है कि हाउ दे सी यू। ठीक है, वो आपके लिए क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, आपको किस नज़रों से देखते हैं। ठीक है, तो ये सब हम पता करने वाले हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे दो ऑप्शन रखे हैं। ठीक है, आप कोई सी भी कैंडल को चूज़ कर सकते हो। कैंडल नंबर 1 है ग्रीन, कैंडल नंबर 2 है पिंक कलर। ठीक है, तो आपके पास आज ऑप्शन है, मैं दो बार रीडिंग करूँगी आपकी। ठीक है, पहले वाली जो पाइल 1 है ग्रीन कलर की कैंडल और पाइल 2 है पिंक कलर की कैंडल। ठीक है, तो आज पिक अ पाइल करेंगे, पिक अ कैंडल कह लीजिए इसको। ठीक है, तो पिक अ कैंडल करेंगे हम। ठीक है, तो जो भी आपको पसंद है आप चूज़ कर लीजिए। मैं ग्रीन वाली से स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, हाउ दे सी यू। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं गाइज। ऑल राइट गाइज, तो आज मैंने पिक अ पाइल किया है कैंडल का। ठीक है, ये कैंडल नंबर 1 है जिनके बारे में बताने जा रही हूँ। ठीक है, आपसे जितना मैच करे उतना ही लीजिएगा। रीडिंग में जाने से पहले छोटी सी जानकारी है, सुनना चाहें तो। ठीक है, आप अगर इंस्टाग्राम पे मुझे ज्वाइन करते हैं तो आपको अपने दिल की दवा मिल जाएगी। ठीक है, वहाँ पे जाके मुझे फॉलो कीजिएगा, मेरे इंस्टाग्राम लिंक को फॉलो कीजिएगा जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक और नंबर मिलेगा जो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, मुझे वहाँ पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा, सारी जानकारी मिल जाएगी। कॉल मत कीजिएगा प्लीज़। ठीक है, कॉल आपका कोई अटेंड भी नहीं करेगा। और डेफिनेटली आपको अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो उसी नंबर पे मुझे कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, मैसेज कीजिएगा, सारी जानकारी मिल जाएगी। बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस मैं लेती हूँ। ठीक है, एक या दो क्वेश्चन के लिए मैं रीडिंग नहीं लेती हूँ और फुल रीडिंग में आपको नियरेस्ट फ्यूचर भी आपका मिलेगा। ठीक है, और इंडिया से बाहर भी है तो बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस है, एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए। ठीक है, 2-3 दिन का समय मैं ज़रूर लेती हूँ, लेकिन आपको टाइम पर रीडिंग मिल जाएगी। इतनी सी जानकारी थी, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। तो जिन्होंने कैंडल नंबर 1 यानी कि ग्रीन कलर चूज़ किया है उनके लिए क्या रीडिंग आती है, चलिए चेक कर लेते हैं। हाउ दे सी यू, सबसे पहले अपने इष्टदेव को याद कीजिए, फिर अपने पार्टनर का नाम लीजिए। ऑल राइट गाइज, हाउ दे सी यू, वो आपको किन नज़रों से देखते हैं, आपके लिए क्या सोचते हैं वो। ठीक है, तो सबसे पहले एनर्जीज को मैं बताऊँगी, स्टार साइन को मैं बताऊंगी हमेशा की तरह। ठीक है, देखिए जिन्होंने भी ये ग्रीन कलर की कैंडल चुनी है यानी कि पाइल नंबर 1, उनके जो पार्टनर हो सकते हैं, आपका साइन भी हो सकता है। ठीक है, एक्वेरियस मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है, आपका इनका साइन होना चाहिए। पाइसिस मुझे यहाँ पे लग रहा है और स्कॉर्पियो। ठीक है, 3 स्टार साइन मुझे बहुत प्रोमिनेंट लग रहे हैं, लेकिन साइन के बारे में मत सोचिए ज़्यादा। ठीक है, आपसे रीडिंग मैच करनी चाहिए। ठीक है, तो हाउ दे सी यू, सबसे पहले एनर्जी बताऊंगी मैं। ये जो इंसान है आपको कोई दिल की बात या कोई सच बात बताने वाला है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है इनकी एनर्जी में ये आपको बहुत बहुत एडमायर करते हैं, बहुत पसंद करते हैं और इनका इन दिनों फोकस आपके ऊपर है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा आपसे जैसे चाहते हैं कि आपके साथ इनका रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म तक चले। ठीक है, ये आपके लिए कोई वादा या कोई कमिटमेंट लेके आना चाहते हैं। ठीक है, आपके कनेक्शन में ये कोई विश अपनी पूरी करना चाहते हैं, आपके कनेक्शन में प्रॉस्पेरिटी आए, वेल्थ आए। ठीक है, ये सब चीज़ें मतलब देखते हैं आपके साथ। ठीक है, मतलब अपना भविष्य आपके साथ कोई देख रहा है, इनकी एनर्जी ऐसी है। ठीक है, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि देखिए ये कुछ बातों के लिए फिक्स हो चुके हैं अपने दिमाग में, इनकी एनर्जी ऐसी लग रही है जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं। तो ये क्या है कि अपने रिलेशनशिप को आपसे पुख्ता करना चाहते हैं और आपको स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी देना चाहते हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपकी ज़िम्मेदारी लेना चाहते हैं। गाइस, मेरे घर के पास आवाज़ें आ रही है तो उससे बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए, वो तो आएंगी। ठीक है, उसका मैं कुछ भी नहीं कर सकती। चलिए मैं थोड़ा सा लाउड बोल लेती हूँ, लेकिन इससे ज़्यादा मैं लाउड बोल भी नहीं सकती। ठीक है, क्योंकि मेरे जी एनर्जी लेवल बहुत रीडिंग करते करते बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ मैं और थोड़ा एनर्जी लेवल डाउन होने लगता है। तो इसलिए थोड़ा सा आप अपनी वॉल्यूम को, अपने मोबाइल के वॉल्यूम को तेज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कोई दिल खोल के आपसे बात करना चाहता है, कोई दिल की सच्ची बात आपको बताना चाहता है और ये आपसे लॉन्ग टर्म तक सोच रहे हैं, कोई मतलब जैसे कमिटमेंट की सोच रहा है। और मुझे देखिए यहाँ पे आपकी एनर्जी लग रही है कि जैसे किसी ने बहुत सारी कैंडल्स जला दी है। ठीक है, लिटरली मुझे लगता है कि कोई फेस्टिवल में आप गए हों या फिर कहीं आपने कैंडल अगर जलाई है इन दिनों, तो डेफिनेटली आपके लिए रीडिंग है। ठीक है, मुझे यहाँ पे आकृति दिख रही है कि बहुत सारी कैंडल्स किसी ने जलाई है। ठीक है, रात में, और बहुत मतलब
किसी के लिए दुआ मांगी, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो है आपसे स्टेबिलिटी चाहते हैं, आपको कोई कमिटमेंट वगैरह देना चाहते हैं और इनका फोकस इन दोनों आपके रिलेशनशिप पे है, ठीक है। तो ये आपको किस तरह से देख रहे हैं, आज हमारा टॉपिक ये था तो उस पर आ जाते हैं हम, ठीक है। एनर्जीज मैंने बता दी है, ठीक है। थोड़ी सी कुछ खास बातें और बताना चाहूँगी इनके बारे में, या तो आपकी एज 38, 49, 37 और या फिर 35, इन ये तो या तो किसी की एज होगी आप दोनों में से, ठीक है, या फिर ये नंबर कहीं ना कहीं मैच होते होंगे। नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नंबर 3 इंपॉर्टेंट है आपके लिए और नंबर 4, ठीक है। ये नंबर आपके लिए बहुत कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होंगे, और जैसे कि किसी का अप्रैल में, किसी का मार्च में और किसी का अगस्त में, मुझे यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ लग रहा है, बर्थ मंथ लग रहा है, ठीक है। तो हाउ दे सी यू, ठीक है, आपको ये किस तरह से देखते हैं, आपके लिए क्या सोच है इनकी। तो सबसे पहले आपको ये देखते हैं कि आप बहुत कुछ मतलब सच्चाई पसंद इंसान है। सबसे पहले तो मैं ये देख पा रही हूँ कि आपको एक सच्चा और दिल खोल के कहने वाला, मतलब किसी से डरने वाला नहीं बल्कि हिम्मत और ताकत रखने वाला इंसान समझते हैं। मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं आपके पार्टनर, आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं वो मैं बता रही हूँ, आपको किस तरह से देखते हैं, ठीक है। हाउ दे सी यू, आपको किस तरह से देखते हैं। तो आज हमारा टॉपिक जो है उसको थोड़ा समझिए, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं कि आप एक बहुत ही खुले दिल के इंसान हैं, ठीक है। आप जो भी होता है दिल खोल के और बिल्कुल साफ साफ बोलते हैं, ठीक है। हो सकता है कि थोड़ी कड़वी बात भी हो, लेकिन आपके पार्टनर आपके लिए यही सोचते हैं कि आप दिल के सच्चे हो, ठीक है, सच्ची बात पसंद करते हो, चाहे वो थोड़ी कड़वी हो भी हो तो भी बोल देते हो, ठीक है। ये आपके लिए मतलब आपके लिए ऐसा सोचते हैं कि आप इनको लेकर बहुत कन्फ्यूजन में रहते हो। और देखिए मैं एक बात और बताऊँ कि यहाँ पर ये सोचते हैं कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, ठीक है, क्योंकि आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत गुड लुकिंग हो, आप कहीं ना कहीं ऐसा कोई काम करते हो जिससे कि आपको लोग वाकई में पसंद करते हैं, ठीक है, मतलब कोई भी अट्रैक्टिव हो जाए आपसे, ये वाली आपकी एनर्जी है, ठीक है। तो आपको इस तरह से सोचते हैं कि आप बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करने वाले हो, ठीक है, कोई भी आपको पसंद कर ले, हर बात में आप हमेशा रेडी रहते हो, ना आपको सुनना पसंद नहीं है, ठीक है, इस तरह से देखते हैं। और आप हमेशा चीज़ों को आशावान नज़रों से देखते हो, यानी कि हमेशा पॉजिटिव रहते हो, पॉजिटिविटी आप में भर भर के रहती है। और आपके पार्टनर क्या सोचते हैं, किस तरह से देखते हैं, तो मुझे ये लग रहा है कि आप थोड़ा सा फ्लर्ट एनर्जी में भी हो, ठीक है। ये चाहते हैं कि ये आपको इस तरह से देखते हैं कि आप इन्जॉय करना, मस्ती करना, मजाक करना, आपके मतलब आप बहुत खुश मिजाज हो, ऐसा मैं कहूँगी, ठीक है। ये फ्लर्ट एनर्जी इस तरह से नहीं है कि आप किसी को भी धोखा दे देते हो, किसी से भी मन चाहा बिहेव करते हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ इसलिए ऐसा बोलते हैं कि ऐसा सोचते हैं आपसे कि यस, ये आप जो है इन्जॉय लाइफ को इन्जॉय करना जानते हो, ठीक है। हमेशा आपके चेहरे पे एक हंसी रहती है और आप हमेशा हर बात को सीरियस तो लेते हो, लेकिन कई बात आप बहुत बहुत खुशी से रहते हो, मतलब अपना जो आपकी जो प्रेजेंस है लोगों को खुश कर देती है, आप हमेशा मुस्कुराते रहते हो और आपकी खुशी और आपकी हंसी इनको बहुत पसंद है, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं एक अवेकनिंग से गुजर रहे हैं आपके कारण, ठीक है। ये आपको इस तरह से देखते हैं कि आप बदलाव के साथ मतलब जीवन में हमेशा जो इंसान, एक बात मैं प्रैक्टिकली कहना चाहूँगी जो मैं कह रही थी इस रीडिंग में भी, मुझे आपके पार्टनर आपके लिए ये सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कि जीवन में कोई भी इंसान हो, अगर वो समय के साथ बदलता है तो यही सही है, ठीक है। कुछ बातें, कुछ आदतों को हमको छोड़ना होता है और समय के साथ जो बदलता है उसको वाकई में तरक्की मिलती है, वाकई में एक सक्सेसफुल इंसान होता है, ठीक है। तो अपने आप को हमेशा चेंज करते रहिए, नई चीज़ों को अपनाना सीखिए, ठीक है, नए रिवाज, नए तौर तरीके अपनाना सीखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको जो ज़माना चल रहा है उसी के साथ आगे बढ़ना है। अगर आप पीछे रह गए तो ज़माना आपको पीछे छोड़ देगा, आपकी कोई नहीं सुनेगा, वैल्यू नहीं करेगा। तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है आज की रीडिंग में आपके पार्टनर ये बातें आप में देखते हैं कि यस, आप समय के साथ बदलते हो, आप चीज़ों को बदलाव पसंद है आपको, मतलब ठीक है। कोई तो बदलाव से घबराता है कि यस, मैं नहीं चाहता कि मेरी ज़िंदगी में हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने अगर स्मार्टफोन नहीं ख़रीदा है, बहुत से लोग हैं अभी भी जिनके पास नहीं है, ठीक है, लेकिन आजकल हर इंसान के पास स्मार्टफोन होता है, तो उसको चलाना, उसको सीखना कई लोगों को भारी हो जाता है, ठीक है। ये मैं थोड़े से ओल्ड हो गए हैं उनके लिए बात कह रही हूँ, ठीक है। तो उनको ये पसंद नहीं है कि जो वो चीज़ें करते आ रहे हैं उन्हीं में उनको इंटरेस्ट आता है। लेकिन मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि चाहे आपकी एज कुछ भी हो गई है, अगर आप बदलाव पसंद करते हैं तो डेफिनेटली ज़माना आपको मतलब अप्रिशिएट करेगा कि ये इंसान कितना अच्छा है, ये ज़माने के साथ चलने वाला है। तो ऐसी मैं एनर्जी देख पा रही हूँ आपके इंसान की, आपको वो इस तरह से देखते हैं कि यस, आपको बदलाव पसंद है और आप ज़माने के साथ चलना पसंद करते हैं, अपने आपने ड्रेसिंग सेंस वगैरह सब उसी के साथ चलते हैं, ठीक है, लेकिन एक लिमिटेशंस में, ठीक है, दायरा आप क्रॉस नहीं करते जो आपकी एज है उसके अकॉर्डिंग चलते हो, ठीक है। मुझे काफ़ी मैच्योर आपके इंसान लग रहे हैं, ठीक है।
और आप भी काफ़ी मैच्योर लग रहे हैं। तो देखिए आपको किस तरह से देखते हैं कि आप थोड़ा बहुत फ़नी मिजाज के हैं, ठीक है, आप एक बदलाव पसंद करते हैं और कहीं ना कहीं चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़ना आपको आता है, ठीक है। अगर किसी ने आपको कुछ कह दिया और आपको हर्ट हो गई तो आप ज़्यादा देर उस चीज़ को मन में नहीं लेते, ठीक है, आप डेफिनेटली लेट गो करते हैं, उन चीज़ों को हटा के दोबारा खुश मिजाज हो जाते हैं। इवन मैं आपके रिलेशनशिप में भी देख पा रही हूँ कि कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो मुझे अगर आप ये दोबारा आप इनको कॉल करते हो या मैसेज करते हो तो ये ऐसा सोचते हैं कि अगर आपको ये दोबारा कॉल करते हैं तो आप ऐसा ही सोचते हो, बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करते हो, यानी कि जो नाराज़गी है वो बताते नहीं हो और आप बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करते हो, यानी कि जो नाराज़गी है वो कहते तो ज़रूर हो लेकिन उसको दिल से नहीं लेते हो। तो ये बहुत बड़ी आदत है और बहुत बड़ी अच्छी चीज़ है, ठीक है। एक मुझे बहुत गहरी बात जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, यहाँ पर देखिए नंबर टू आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है, ठीक है, नंबर टू भी आपके लिए पाइल नंबर वन वालों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि ये जो है एक मिरर एनर्जी में है, ठीक है, जिस तरह से आप अपने पार्टनर को चाहते थे उसी तरह से इनकी मिरर एनर्जी दिखती है, ठीक है। तो ये आपके पार्टनर जो है आपको क्या सोचते हैं कि इनको जिन्होंने ज़िंदगी में कभी सोचा था कि मेरा लाइफ पार्टनर ऐसा होगा वो आप में छवि दिखती है, ठीक है, वो आप उसी तरह से दिखते हो, आप उसी तरह से बात करते हो, आपका ड्रेसिंग सेंस, आपका बदलाव, आपकी जो चीज़ें हैं उसी तरह से है जो कि इनको कभी ना कभी अपने पार्टनर के लिए दिखती थी, ठीक है। लेकिन सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। तो ये क्या है, इंसान जो कि आपको किस तरह से देखते हैं, तो ये डेफिनेटली आपको इस तरह से देखते हैं कि आपने बहुत कुछ जमाने को सिखाया है, बहुत कुछ देखा है, आपने इनको भी बदलने की कोशिश की है, आप बिल्कुल साफ दिल के हो और आपके लिए ये सोचते हैं कि आपने जो सच्चाई है वो बोलते हो आप, ठीक है, मन में कुछ नहीं रखते हो और ये सच्चाई ये है कि आपको पसंद करते हैं, सच्चाई ये है कि आप भी इनको पसंद करते हो, लेकिन इस बात के लिए कोई कंडीशन आप फिल नहीं करते हो, ठीक है, यानी कि कोई भी कंडीशन ऐसी आपने इस रिलेशनशिप में नहीं रखी है जो किसी को बाउंड करती है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपसे बहुत खुश हैं और इस बात को लेकर भी खुश हैं कि आप इनके जैसे ही नेचर के हो, ठीक है। तो हाउ दे सी यू, यस, आपके लिए बहुत अच्छी इनकी एनर्जी है और ये नेक्स्ट क्या करने वाले हैं वो भी मैं बता देती हूँ, ठीक है, फिर हम पाइल टू की ओर चलेंगे। आपको ऐसे रीडिंग्स पसंद है तो मैं आगे भी वैसे करने वाली हूँ। तो आज मुझे एनर्जी ये लग रही है कि आपके पार्टनर क्या करने वाले हैं, आपके पार्टनर आपके लिए क्या करने वाले हैं नेक्स्ट। तो मुझे ये पे दिखता है कि आपके लिए इनकी एनर्जी बहुत अच्छी है, जैसे कि मैंने कहा कि आपके लिए बहुत अच्छी सोच इनकी है, ठीक है, आपको बहुत अच्छा पार्टनर और बहुत परफेक्ट पार्टनर के रूप में देखते हैं। इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, तो ये आपको कहीं ना कहीं टेस्ट करना चाहते हैं। मुझे ऐसा दिखता है कि आपको आपके प्यार जो है कहीं ना कहीं टेस्टिंग के लिए हो जाएगा या कोई ना कोई ऐसा टेस्ट देंगे आपको जिसमें आप पास हो सकते हो या नहीं, ठीक है। दूसरी बात मुझे ये दिख रही है कि अभी जो आपकी सिचुएशन है उसमें अभी पिक्चर बाकी है, यानी कि आप ये सोच रहे हो कि रिलेशनशिप ऐसा ही चलेगा तो ऐसा नहीं है, इसमें बदलाव आएंगे, ठीक है। ये किस तरह के बदलाव है सबके लिए डिफर करेगा। यहाँ पे आपको बिलीव करना पड़ेगा कि जो इम्पॉसिबल है वो भी पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर जो इम्पॉसिबल लग रहा है आपको इस रिलेशनशिप में, उसकी पॉसिबिलिटीज़ को उसकी पॉसिबिलिटीज़ को बढ़ाएंगे, ठीक है। मुझे ऐसा भी लगता है कि आपके इस रिलेशनशिप में बैलेंस आएगा, स्पिरिचुअलिटी आएगी और एक जैसे कहते हैं ना प्रैक्टिकल हो जाएंगे आप बहुत ज़्यादा, ठीक है, चीज़ों को प्रैक्टिकली सोचना शुरू करेंगे कि इस रिलेशनशिप में क्या अच्छा है क्या बुरा, ठीक है। तो आज की रीडिंग में मुझे यही दिख रहा है पाइल वन वालों के लिए, ठीक है। और जाते जाते एक सॉन्ग जरूर सुनिएगा क्योंकि मुझे यहाँ पे क्लिक हुआ है कि यहाँ पे आपके पार्टनर आपके लिए कैसा क्या सोचते हैं आपके लिए, तो वो चीज़ मैं बताने वाली हूँ गाइस। ओके गाइस, तो आपने ये सॉन्ग ज़रूर सुना होगा, मैं भी आपको बता देती हूँ, ठीक है। ये बहुत पुरानी मूवी है डिम्पल एंड सनी की, ठीक है, और इसमें एक गाना था ओ मेरी जान अब नहीं रहना तेरे बिना, ठीक है। थोड़ा सा गा के बता रही हूँ, मेरी आवाज़ तो ज़्यादा अच्छी नहीं है बट आप सुन सकते हैं, ठीक है। ओ मेरी जान, ओ मेरी जान अब नहीं रहना तेरे बिना, बहुत ही प्यारा सॉन्ग है, आप जब भी सुनेंगे बिल्कुल फ्रेश फील करेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ आज की पाइल वन वाले की रीडिंग यहीं पे समाप्त करती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलती हूँ गाइस, मेरा वेट कीजिएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। हाउ दे सी यू, यस, दे आर वेरी अट्रैक्टिव अबाउट यू, ओके, थिंकिंग अबाउट यू एंड बहुत गुड थिंकिंग है आपके प्रति, ठीक है। तो ये आज की रीडिंग थी, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ओके। हेलो गाइस, तो जिन्होंने पिंक कलर का
सॉरी गाइज, मेरे घर के पास आवाज़ आ रही है, तो उसको तो आपको साइन करना पड़ेगा। पाइल टू वालों के जिन्होंने पिंक कलर की ये कैंडल चूज़ की है, उनके लिए क्या रीडिंग आती है, हाउ दे सी यू, ठीक है, आपको कैसा सोचते हैं वो। चले मैं स्टार्ट करते हैं। रीडिंग में जाने से पहले ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपका दिल भी किसी के लिए धड़कता है तो बिल्कुल आप इंस्टाग्राम पर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, वहाँ पर मैं रिसेंटली ज्वाइन हुई हूँ, ठीक है, और वहाँ पर आपके दिल की दवा मिल जाएगी। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिएगा, वहाँ पे अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो व्हाट्सअप नंबर मेरा वहीं नहीं मिलेगा, ठीक है, वहाँ मिलेगा। और बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस लेती हूँ मैं, बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस है मेरे, आप अगर ट्राई करेंगे तो कहीं और नहीं मिलेंगे। तो रीडिंग लेनी है आपको पर्सनल तो व्हाट्सअप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ठीक है, तो सारी जानकारी मिल जाएगी और मैं फुल रीडिंग देती हूँ और नियरेस्ट फ्यूचर भी आपको बताती हूँ। अगर इंडिया से बाहर भी है तो बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस पर रीडिंग करती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइज, ये नॉइज़ तो आती रहेगी, इससे हम कुछ भी नहीं कर सकते इसका, ठीक है। चलिए हाउ दे सी यू, पाइल नंबर टू, अपने इष्ट देव को याद कर लीजिए और अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए। ओके गाइज, देखिए आज की सबसे पहले एनर्जीज बताऊंगी मैं आपको, स्टार साइन की भी बात करेंगे हम, ठीक है। बीच बीच में जब ये आवाज़ आएगी तो मैं थोड़ा रुक जाऊंगी, ठीक है, बट इट्स ओके, ठीक है। देखिए मुझे यहाँ पे लग रहा है कि जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, ये जो इंसान है एरीज हो सकते हैं, ठीक है, एक्वेरियस हो सकते हैं, जेमिनी हो सकते हैं, ठीक है, लियो भी कोई लग रहा है, ठीक है, और वर्गो मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, ठीक है। तो ये स्टार साइन मुझे यहाँ पे दिखाई दिए हैं, ठीक है, पाइल नंबर टू के लिए ये वाले स्टार है। अगर वापस सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल जेमिनी, लियो, वर्गो, एरीज और एक्वेरियस, ठीक है, ये मुझे स्टार साइन, टॉरस भी कुछ कुछ के लिए हो सकता है। तो क्या एनर्जी है आपके पार्टनर की, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। देखिए आपके जो पार्टनर हैं, आपके जो पार्टनर हैं वो कहीं ना कहीं अपना दिल संभाल के बैठे हैं, ठीक है। हाउ दे सी यू, वो आपको किस तरह से देखते हैं, ठीक है, ये सोचते हैं कि आपने अपना दिल संभाल के रखा है, आपने इनको, मतलब जैसे कहते हैं ना कि आपने इनको दिल में जगह दी है, ठीक है, ये जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं और ये भी आपको बहुत जगह देते हैं, वैल्यू करते हैं आपके, ठीक है। आपको किस तरह से देखते हैं कि आपके पास बहुत सारे अनकंसिडर ऑप्शंस हैं, ठीक है। अनकंसिडर ऑप्शन का मतलब क्या होता है कि यानी कि आपके पास ऑप्शन की कमी नहीं है, आप किसी को भी कंसिडर नहीं करते, यानी कि किसी को भी बहुत ज़्यादा भाव नहीं देते, ठीक है, आप इन्हीं को दिल में बैठा के बैठे हो, ठीक है, और ये कहीं ना कहीं आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, सिर्फ मैं एनर्जी स्केच कर रही हूँ। तो ये आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में एक स्टैंड लेना चाहते हैं आपके लिए, अपने आपको अपनी लाइफ में लाने के लिए कोई ना कोई काम या कोई ना कोई एक्शन करना चाहते हैं, ठीक है। ये आप अपनी खुशियों को पाना चाहते हैं, इनको ये फील हो रहा था अभी तक ये एक सीमित दायरे में या किसी बाउंड्री में रह के काम करते थे, लेकिन अब ये आपके साथ लॉन्ग टर्म तक देखते हैं और डेफिनेटली ये जैसे कहते हैं ना कि कोई आपके लिए स्टैंड लेना चाहता है, कोई अपनी ज़िंदगी में आपकी एंट्री को प्रूव कर रहा है, ठीक है, ऐसा मैं यहाँ पे कहूँगी, ठीक है। इनके पास अवसरों की कमी नहीं है, आपको ये किस तरह से, किस एनर्जी में आपको लेकर, तो ये सोचते हैं कि आपको अवसरों की कमी नहीं है, लेकिन ये डेफिनेटली ये अपॉर्चुनिटी इनके पास भी हो सकती है, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो ये आपको किस तरह से देखते हैं, तो इनकी एनर्जी ये है कि आपने अपने दिल को संभाल के रखा है, तो इन्होंने भी आपके लिए दिल संभाल के रखा है। एनर्जी ये है कि ये आपके लिए कोई ना कोई स्टैंड लेना चाहते हैं, आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है। ये कुछ भी हो सकता है, ओह माय गॉड, आज तो बहुत ही आवाज़ आ रही है। एनीवेज मैं बताने वाली हूँ कि हाउ दे सी यू, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि इनके पास चॉइसेस हैं। ये कैसा सोचते हैं आपके लिए कि आपके पास चॉइसेस हैं और आप इनको चुनना चाहते हो, ठीक है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया। और ये कहीं ना कहीं आपसे बेहद प्यार करना चाहते हैं, आपको प्यार देना चाहते हैं, और ये कहीं ना कहीं कोई सच्चाई बताने वाले हैं। मुझे ऐसा लगता है इनमें हिम्मत और ताकत आने वाली है और आ चुकी है, मैं यहाँ पे कहूँगी आ चुकी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये जो वैक्स की बूंदें हैं जो इकट्ठी होने लगी, तो मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने अपने साहस और हिम्मत अपने आप में लाए हैं और डेफिनेटली आपके लिए कोई कदम उठाना चाहते हैं। देखिए मुझे ऐसा लगता है आपकी पार्टनरशिप, आप जॉब या वर्क प्लेस पर एक साथ हैं, मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ये लग रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके लिए ये भी सोचते हैं कि आपने ज़िंदगी में बहुत कुछ झेला है, ठीक है, हार्ट ब्रेक झेला है, या फिर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा खुशी नहीं मिल रही, ठीक है, आप सिर्फ किसी कनेक्शन को झेल रहे हैं, ठीक है, आपको किसी ने धोखा दिया है,
आपको किसी ने धोखा दिया है, आपको किसी ने किसी से कोई मतलब जैसे कहते हैं ना लगाव नहीं रहा, लेकिन ये जब से आपके पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आए हैं तो आपको इनसे लगाव हो गया है और डेफिनेटली आपकी पार्टनरशिप चाहते हैं। मुझे लगता है कि आप दोनों वर्क प्लेस पर एक साथ हैं, ऐसा मुझे बार बार फील हो रहा है। ये जो है आपके लिए कोई रिस्की काम करना चाहते हैं, ठीक है, ये आपको किस तरह से देखते हैं तो ये खुद भी रिस्क लेना चाहते हैं और आपके लिए भी ये सोचते हैं कि आप इनके लिए कभी रिस्क लेना चाहें तो डेफिनेटली आप पीछे नहीं हटेंगे, इनके लिए कोई एक्शन लेंगे, ठीक है। तो आप बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड हैं, मतलब प्रैक्टिकलिटी पे विश्वास करते हैं, भावनाएं आप में हैं, लेकिन आप चीज़ों को टालते नहीं हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि जो भी ज़िंदगी में आपके ख़राब हुआ है उसको आप वापस बिल्डअप करना चाहते हैं, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ मैं आपके कनेक्शन में देख पा रही हूँ, क्योंकि ये जो इंसान है आपके लिए ये सोचता है कि आप ज़िंदगी को ख़राब हो चाहे नहीं हो, ठीक है, आप बहुत पॉजिटिव रहते हो और इनके लिए आपके मन में बहुत ज़्यादा इज्जत और सम्मान है, ठीक है। तो ये आपको इस तरह से देखते हैं कि आप जो है इनके लिए कोई ना कोई रिस्क ज़रूर लोगे, ठीक है, और ये भी आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, ऐसा देखते हैं आपको, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लगता है कि आपने बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मेरे व्यूअर हैं आपके बारे में, आपके पार्टनर क्या सोचते हैं कि आप एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो जहाँ पे बहुत ही ख़राब हालत है, ठीक है, आप रोज़ाना कोई फैमिली ड्रामा फेस करते हो, आप झगड़ा होता है आपके हस्बैंड से, आपके जो इन लॉज से उनसे झगड़ा होता है, और ये आपके लिए क्या फील करते हैं कि इन झगड़ों से जो हार्ट ब्रेक आप झेल रहे हैं, इन रोज़ रोज़ के झगड़ों से आपको ये इंसान बाहर निकलना चाहता है, ठीक है, आपको किस तरह से देख रहे हैं। तो आपने इस ज़िंदगी को बहुत झेला है और रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से देखा है, ठीक है, अब आप अपनी नई ज़िंदगी में एंटर करना चाहते हो, इसीलिए ये चाहते हैं कि आप जो है इनके लिए कभी ना कभी कोई एक्शन लोगे, ठीक है। इसके अलावा मुझे ये भी दिख रहा है कि यहाँ पे ये आपको पसंद करते हैं और आप इनको पसंद करते हैं, फोर पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, ठीक है। पाइल टू वालों के लिए मुझे ये लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और कोई स्टैंड एक दूसरे के लिए लेना चाहते हैं, ठीक है। बहुत करके मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कोई जॉब या वर्क एक साथ करते हैं जहाँ पे आपकी एक शुरुआत हुई है, ठीक है, और आप चाहते हैं कि आप दोनों के जीवन में जो खुशियां आपको नहीं मिली वो एक दूसरे से आप बांटना चाहते हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ रह के वो खुशियां बांटना चाहते हैं, ठीक है। आपको जो डिसअपॉइंटमेंट फेस करने हैं अपनी ज़िंदगी में वो कर चुके हो, अब आप इस रिलेशनशिप से अपनी खुशियां पाना चाहते हो और एक नया स्टार्ट करना चाहते हो। देखिए मुझे एक ख़ास बात मैं बताने वाली हूँ कि ये आपके लिए आपके पार्टनर आपके लिए ये भी सोचते हैं कि आप दो चीज़ों में जगलिंग करते रहते हो, आपको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम है क्योंकि आप जहाँ हैं वहाँ पे स्टक हैं, आप बहुत ज़्यादा बंधा हुआ फील करते हो और आप इनके लिए चाहते हो भी स्टैंड लेने से घबराते हो, ठीक है, कहीं ना कहीं डर आपके मन में है। ये किस चीज़ का डर है मैं नहीं बता सकती, लेकिन डर आपके मन में, ये सोचते हैं कि आप डरते हो कुछ करने से, रिस्क लेना चाहते हो लेकिन आप डरते हो किसी बात से, ठीक है। यहाँ पे देखिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि बहुत सारी बातों में आपने बहुत कुछ जीवन को झेला है, आपने सेक्रीफाइस किया है, सबको खुश करने की कोशिश की है, ये आपके बारे में सोचते हैं आपके पार्टनर। आपने जीवन में जो भी कुछ देखा है उसमें बहुत ज़्यादा एडजस्ट करने की कोशिश की है, ठीक है। मुझे मेरे व्यूअर जो पाइल टू के लिए देख रहे हैं वो आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोचते हैं, तो यही सोचते हैं कि आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो किसी बात के लिए, ठीक है, आप में ताकत और हिम्मत इसलिए आ चुकी है क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा एडजस्ट करके देख लिया है, बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस कर दिए हैं, अब आप अपने खुद के लिए कुछ करना चाहते हो, और यही एनर्जी मुझे आपकी लग रही है कि यस आपके पार्टनर जो हैं आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव इसीलिए हैं, बहुत ज़्यादा आपको रेस्पेक्ट इसीलिए करते हैं क्योंकि आपकी जो कंडीशन है वो अगर कोई और उसकी जगह आपकी जगह होता तो अभी तक वो कुछ ना कुछ कर लेता, ठीक है, यानी कि कोई ना कोई अपनी ज़िंदगी को मतलब छोड़ देता है या फिर किसी रिलेशनशिप को तोड़ देता है, ऐसी सिचुएशन मुझे यहाँ पे लग रही है। तो आपके पार्टनर ऐसा सोचते हैं कि इतना कुछ होते हुए भी आप में हिम्मत और ताकत है और आपको चीज़ों से लड़ना या फेस करना उनको आता है, ठीक है, आप कोई भी कंडीशन में घबराते नहीं हो और हिम्मत और ताकत वाले इंसान हो, ठीक है, आप एक रिस्क लेके कोई ना कोई इनके साथ चीज़ें जो ख़राब हो चुकी है आपकी ज़िंदगी में उसको वापस बिल्डअप करना चाहते हो, ठीक है। आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा करेजियस समझते हैं और आपके लिए ये खुद भी स्टैंड लेना चाहते हैं। मुझे लगता है कि बहुत कुछ आपने झेला है जीवन में, सेक्रीफाइस किए हैं, सबको खुश रखने की कोशिश की है, इसके बदले में आपको कुछ नहीं मिला, आपके पार्टनर ऐसा सोचते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे यही बताना चाहूँगी कि दिल से चाहते हैं कि आपको खुशी मिले। देखिए मुझे वी साइन नज़र आया है, आपको विक्ट्री इस कनेक्शन में मिलेगी। आप जो सोच रहे हो उसमें एक नेगेटिविटी को छोड़ के पॉजिटिव हो जाइए, आपको विक्टोरियस
एक चीज़ मिलेगी आपको इस रिलेशनशिप में, विक्ट्री मिल सकती है, ठीक है। आपको थोड़ी सी हिम्मत और ताकत रखने की ज़रूरत है, और मैं ये देख पा रही हूँ कि आपको वो हिम्मत और ताकत इस इंसान से मिलेगी, ठीक है। यानी कि जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो आपको हिम्मत और ताकत दोनों देंगे, और आपको जीवन से लड़ने की या फिर उनको जीवन को एक नए तरीके से स्टार्ट करने की आपको एक प्रेरणा मिलेगी इनकी तरफ से, ठीक है। एक मतलब सपोर्ट चाहते हैं आप अपनी लाइफ में, ठीक है। तो ये जो इंसान है आपके लिए बहुत अच्छा सोच रहे हैं और डेफिनेटली आपके लिए कोई एक्शन लेना चाहते हैं, आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, और मुझे लगता है कि आप भी इनके लिए रेडी हैं, ठीक है। क्योंकि आपने जीवन को बहुत करीब से देखा है और आपने बहुत सी चीज़ों को अब तक बहुत सहन किया है, ठीक है। रिलेशनशिप आपके बहुत ज़्यादा बिगड़े हुए हैं, इनको सुधारने के लिए आप दोबारा नई न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। बहुत से लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि आपकी सिचुएशन डिवोर्स जैसी है, ठीक है। मेरे जो व्यूअर देख रहे हैं उनकी सिचुएशन या फिर आपके पार्टनर की सिचुएशन डिवोर्स जैसी है, या तो डिवोर्स फाइल कर दिया आपने या फिर डिवोर्स की सोच रहे हैं, ठीक है। और ये थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी सिचुएशन हो सकती है, लेकिन आपके पार्टनर चाहते यही हैं कि आप इनके लिए कोई रिस्क ले लें, ठीक है, क्योंकि ये आपके साथ उम्र भर रहना चाहते हैं, ठीक है। मुझे आज ऐसा लग रहा है कि जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो बहुत भुगत भोगी हैं, और ये अपने जीवन को एक नए ढंग से, अपनी खुशियों को नए तरीके से पाना चाहते हैं और इसमें आपको शामिल करना चाहते हैं, ठीक है। तो आज की रीडिंग में मुझे यही लग रहा है इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। तो नेक्स्ट मैं यही देख पा रही हूँ कि ये जो इंसान है आपके लिए कोई स्टैंड लेना चाहता है, ठीक है। इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है कि आपको एक सपोर्टिव इंसान के रूप में आपके हर वक्त ये पीछे दिखेंगे, ठीक है। यानी कि जब भी आपको किसी का सपोर्ट होगा, आप पीछे मुड़ के किसी को देखेंगे तो ये सबसे पहले नज़र आएंगे, ठीक है। ये आपको फाइनेंशियली भी सपोर्ट करना चाहते हैं, आपको आपके दर्द को समझना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों ही थोड़ी बहुत सेम सिचुएशन से गुजर चुके हैं और अब आप अपने जीवन को नए तरीके से स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है। जिनसे भी रीडिंग मिलती है मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आप कुछ भी अपने रिलेशनशिप के बारे में बताना चाहें, ठीक है। और रीडिंग को अगर पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे रीडिंग्स मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा बनाती हूँ। और इसके अलावा मुझे ये भी दिख रहा है कि इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, ये खुद होकर आपके लिए कोई इनिशिएट करेंगे, कोई एक्शन इनका देखने को मिल सकता है, आपके साथ ही हर वक्त खड़े। मुझे ऐसा लगता है कि आपको कोई सपोर्ट किसी और की आवश्यकता नहीं, या हमेशा आपका सपोर्ट करेंगे, आपका एक जैसे कहते हैं ना कि एक सपोर्टिव सिस्टम बन के रहेंगे, ठीक है। वो कैसा भी सपोर्ट हो सकता है, फाइनेंशियली भी आपको ये सपोर्ट देना चाहते हैं और अपनी ज़िंदगी में रखने के लिए आपको कोई स्टैंड लेना चाहते हैं, ठीक है। तो इनका एक्शन आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट टाइम, और डेफिनेटली ये जो इंसान है आपको कोई वादा या कोई कमिटमेंट देना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले आपकी कुछ लीगल इश्यूज़ हैं तो उनसे बाहर लाना चाहते हैं, ठीक है। नॉइज़ तो चलती रहेगी गाइस, लेकिन ये रीडिंग जो है मैं अभी यहीं पे एंड करने जा रही हूँ। नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलती हूँ गाइस आपसे, ठीक है। तो क्या करना है आपको, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और मेरी वीडियोज़ का वेट कीजिएगा। मैं नेक्स्ट टाइम ज़रूर मिलती हूँ गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय।